व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम के वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में कल जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, अब वो मर चुका है, अब कोई खतरा नहीं है। बाकी यहाँ ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि हम लोग अब पुलिस से सेफ हैं, बट एक तरीके से थोड़ी सी बुरी बात भी है। इस सीन के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे, ये ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है। बाकी अब देखना ये होगा कि लेस्टर हमारी बॉडी का फ्यूनरल कैसे करने वाला है। यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी किसी की क्रोम एसयूवी खड़ी हुई है, जो कि अपनी पूरी जी वैगन जैसी दिख रही है। फटाफट गाइस हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। भाई कम से कम 10 से 15 एसयूवी आई थी, काफी ज्यादा एसयूवी नहीं, वो एक टैंक थे भाई, काफी ज्यादा डेंजरस। फिलहाल हाँ, अभी ये हमें कह रहा है कि जल्दी से जल्दी हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि अभी हमें सीधा निकलना है लिबर्टी के लिए, इनकी गाड़ी चुराने के लिए। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस मुझे आगे वाले गेट से लेफ्ट लेके थोड़ा सा आगे और जाना है और हम लोग पहुंच जाएंगे। फिलहाल हाँ, एयरपोर्ट के लिए सीधा रास्ता तो यही जाता है, पर जैसे कि आप लोग को पता है, लास्ट टाइम हमें यहीं पर पुलिस वालों ने अरेस्ट करा था, तब से मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। अभी हम लोग उस रास्ते से कभी नहीं जाने वाले। ये काफी ज्यादा सेफ रास्ता है, जिससे हम लोग आज तक पहले कभी भी नहीं गए एयरपोर्ट के अंदर। मतलब अगर यहाँ से हमें एयरपोर्ट के अंदर जाना है ना, तो कोई भी चेकिंग वगैरह कराने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। यहाँ पर काफी सारे सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर ब्लास्ट करने वाले, ताकि पता तो चले यहाँ पर कोई तबाही आई थी। लेट्स गो। फिलहाल हाँ, हमें इसी रास्ते के थ्रू एयरपोर्ट के अंदर जाना है, और हम लोग पहुँच चुके हैं विदाउट एंट्रेंस। हम लोग एकदम मस्त रास्ते से एयरपोर्ट में आ चुके हैं। अभी बस यहाँ पर कोई बढ़िया सा प्लेन हमें मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिलहाल सामने की तरफ में एक प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है, और ये गाड़ी, वेट भाई साहब, ये गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, अभी ड्रिफ्ट होती होती वहाँ जाके भिड़ जाती। फिलहाल हाँ, जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर खड़े करते हैं, फटाफट से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी के लिए, क्योंकि अपने पास जो मैप है, उस मैप से हमें डगन बॉस की वो कार भी मिलने वाली है, जिस कार के दम पे वो सबसे बहुत ज़्यादा ही अकड़ रहा है। मतलब उसको लगता है कि उसे भी कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि यार वो सच्ची में जो कार है, क्या पता बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर उसमें कोई ऐसी खास बात हो जिसके थ्रू वो किसी को भी मार दे। वो तो जब हमारे हाथ में आएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा। फिलहाल हाँ, अभी जल्दी से हम लोग निकलते हैं लिबर्टी के लिए। बट मैंने यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी, प्लेन में उल्टा ले आया हूँ, बट कोई नहीं, आसमान में जाकर हम लोग आराम से इसको रोटेट कर सकते हैं। लेट्स गो, अभी से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ प्लेन हो चुका है पूरा टर्न। तो ओके गाइस, लेट्स गो। अभी ना फिलहाल मैं अपना प्लेन लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पे। फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक प्यारी सी लैंडिंग करवा देते हैं, और ये लैंडिंग काफी ज्यादा रिस्की थी भाई। अगर एंड टाइम पे प्लेन टर्न ना होता ना भाई, ये प्लेन क्रैश हो सकता था यहाँ पर। फिलहाल हाँ, हमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है अब, क्योंकि अभी हम लोग आ चुके हैं लिबर्टी सिटी, और इस सिटी में राज चलता है। जो भाई साहब जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं उनका, तो यहाँ पर हमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसलिए तो स्पेशली हमारे लिए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी भी मंगवा दी है, तो फटाफट हम लोग वहाँ पे चलते हैं गाड़ी में बैठ कर। ना सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं उस लोकेशन पे जहाँ पर हमें वो गाड़ी मिलने वाली है डगन बॉस की। फटाफट गाइस, इस वाले कट से हम लोग अपने प्लेन को लेफ्ट मोड़ते हैं, और सामने की तरफ में वो जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, शायद से वही कोई स्पेशल कार है जो कि इसने हमारे लिए मंगवाई है। और उसने कहा कि तुम्हें इस गाड़ी को ड्राइव करना और बताना कैसी है। वैसे देखने में तो यार काफी ज्यादा पुराने टाइप की मसल कार लगती है। ओ वेट, एक सेकेंड भाई, ये प्लेन को क्या हो गया? एकदम सही सलामत यहाँ पर पहुंच गया, पर पता नहीं यहाँ पर आकर ये प्लेन, भाई ये किसी की साजिश तो नहीं है? ये प्लेन ऐसे कैसे टूट सकता है यार? ये मेरे को लग रहा है जो हमारी खराब लैंडिंग है उसकी वजह से हुआ है। फिलहाल हाँ, अभी इसके बॉडी गार्ड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, और गाड़ी तो यार कसम से काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। जल्दी से गाइस हम लोग इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ओ भाई ये क्या है यार, गाड़ी के अंदर का जो पूरा का पूरा इंटीरियर है वो एक टाइगर लुक है। फिलहाल ये भी अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए आ गया है, और इस गाड़ी में बैठकर यार बिल्कुल एक बार आप लोग ध्यान से देखो, गैंगस्टर वाली लुक आ रही है। और गाड़ी कोई छोटी मोटी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लंबी कार है। फटाफट से गाइस अभी हम लोग इस गाड़ी को लेकर, मतलब कि यार एक बार ना आप लोग ध्यान से देखो, गाड़ी का एक जो स्टीयरिंग मिला पूरा चैन वाला है, सामने पता नहीं क्या भूत जैसा मटेरियल रखा हुआ है, और पूरी टाइगर वाली लुक आ रही है इस गाड़ी में बैठ के। तो ओके गाइस, अभी ना फटाफट से हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलते हैं,
और यार कसम से काफी ज्यादा तगड़ी लुक आ रही है यार इस गाड़ी को चलाने में। फिलहाल हाँ मैं थोड़ा बहुत ना ध्यान से चलाने वाला हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इतनी महंगी गाड़ी को कहीं मैं इधर उधर ठोक डालूं और खाली पीली अपने ऊपर कुछ ज्यादा महंगा खर्चा बैठ जाए। वैसे यार हाँ ये अभी अपना काफी ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका है तो ये हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। तो फटाफट हम लोग इस वाले कट से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। और यार ये लिबर्टी में हमेशा कैसा मौसम रहता है यार, बारिश होती रहती है और ये लो भाई पूरी मेरी गाड़ी वॉश सी हो गई। बट हाँ रिस्की था भाई, पानी थोड़ा अंदर भी आ सकता था और अपना दोस्त भीग जाता। फिलहाल हाँ अभी भाई मस्ती कम करनी है, हमें उस लोकेशन पे पहुंचना है जहां से हमें उस नई वाली डगन बॉस की कार को चुराना है। वैसे यार लिबर्टी सिटी का एक बारी वेदर देखो यार, मतलब क्या ही प्यारी वाई बात यार इस सिटी में आकर एकदम अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल हाँ जल्दी से हम लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। बट उससे पहले हमें इसको इसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाना होगा क्योंकि ये कह रहा है कि अगला जो काम है वो हम दोनों मिलके ही करेंगे, पर ये जो गाड़ी है ना ये संभाल के रखनी जरूरी है क्योंकि ये सच्ची में बहुत ज्यादा ही रेयर कार है। बाकी प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या कैसे करना है। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड के घर पे। और आप लोग को तो मालूम ही है कि यार यहाँ पर इसका कोई छोटा मोटा घर नहीं, एक बहुत बड़ी हवेली है। आखिरकार यार लिबर्टी सिटी का सबसे अमीर आदमी भी तो यही है। फिलहाल हाँ अभी ना प्लान के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि भाई उस लोकेशन पर मीन्स वो गाड़ी चुराने के लिए ये हमारे साथ नहीं जाने वाला है क्योंकि लिबर्टी सिटी में इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है और ये इज्जत वो ख़राब नहीं करना चाहता है। तो ये कह रहा है कि गाड़ी चुराने तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आने वाली है क्योंकि लिबर्टी में इसी का नाम चलता है। वैसे बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो गाड़ी हम लोग कोशिश करते हैं चुरा के लाने की। फिलहाल अभी हम लोग इसके गैराज पे पहुंच चुके हैं और तुम गाड़ियाँ देखो भाई एक से एक इसने यहाँ पर खड़ी कर रखी है। तो चलो यार फटाफट हम लोग अपनी गाड़ी से उतरते हैं, लेट्स गो। अभी मुझे कोई एक गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा, इसने जैसा कि मुझे बोला, तो यार ये वाली गाड़ी ले लेते हैं हम लोग और चलते हैं सीधा। बट उससे पहले मेरे को एक इम्पॉर्टेंट काम है, ये जो बैग है मैं इसके बॉडी गार्ड्स को दे देता हूँ क्योंकि यार पैसा लेके जाने की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, वो गाड़ी मैं यहीं पर लेकर आऊंगा और आज के लिए मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। पर पहले गाड़ी तो लाएं, काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने ये गोल्ड और कैश से भरा हुआ बैग इसके बॉडी गार्ड को दे दिया है और अभी ना अपना फ्रेंड कह रहा है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग वो जो गाड़ी है वो शायद से किसी एक पार्किंग में खड़ी हुई है जहाँ से उस गाड़ी को लाना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि ये कह रहा है कि वो जो पार्किंग है वो डगन बॉस की है जहाँ पर वो अपने खतरनाक वाले जितने भी उसके व्हीकल्स हैं, मतलब जितने भी उसके डेंजरस फाइटिंग वाले टैंक्स वगैरह ना वो सारे के सारे वहीं पर वो खड़े करता है। तो सीधी सी बात है वहाँ पर अगर टैंक्स हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी होगी और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी है तो हमारी लाइफ को खतरा होगा। बट हाँ यार कोशिश करते हैं, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली, अगर कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ से चुपचाप भाग लूंगा और सीधा इसी के पास आ जाऊंगा क्योंकि मुझे पक्का पता है कि कोई बचाए ना बचाए ये हमें जरूर बचा लेगा हर एक मुसीबत से लिबर्टी सिटी में। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा उस बड़ी सी पार्किंग में जहाँ पर डगन बॉस ने अपनी सारी की सारी गाड़ियां छुपा के रखी हुई है और कोई अंदर ना आ पाए इसलिए यहाँ पर इसने इसके रास्ते में पूरा मस्त वाला बैरियर लगा रखा है। तो फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं। बट एक सेकेंड, ऊपर की तरफ में तो मुझे कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है, कहीं मैं गलत लोकेशन पे तो नहीं आ गया हूँ? वैसे हाँ यार ये जो पार्किंग है ना ये काफी ज्यादा बड़ी है, हो सकता है कि उसकी जो गाड़ियां हैं वो बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर या फिर फर्स्ट फ्लोर पर हो सकती है। तो फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहां से मोड़ता हूं और एक बार ही ना फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलता हूं और पता करता हूं कि यहां पर डगन बोस की कार्स हैं या फिर नहीं। तो अभी मैं आ चुका, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर नहीं है ये सेकेंड फ्लोर है। भाई साहब कितनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है यार, ये यहाँ पर भी मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। अपनी गाड़ी को मुझे ना अभी यहाँ से घुमा के नीचे ही लेकर चलना पड़ेगा, मेरे साथ एक बहुत तगड़ा स्कैम हो गया। मुझे लग रहा था इधर बैरियर्स लगे हुए हैं तो ऊपर जो जाने का रास्ता है वो यही होगा और गाड़ियाँ भी यहीं पर होगी, पर इधर तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने हमें गलत लोकेशन दे दी? ओ भाई अभी हम लोग एकदम करेक्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। फटाफट सबसे पहले मैं कवर लेता हूं, सामने की तरफ में मुझे बंदे नजर आ गए और ये एकदम मस्त टाइम है इन लोग को टपकाने का, बट ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो पहले मैंने एकदम बढ़िया तरीके से ना चारों तरफ के बंदे देख लूंगा। ये देखो सामने की तरफ में बॉडीगार्ड खड़ा हुआ, निकल तीरी ऐसे की तरह। तो भाई सर देखो अभी ना फिलहाल मैंने एक बंदे को तो स्नाइपर मार के डाउन कर दिया, पर यार अभी ना सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो चुकी है
क्योंकि अंदर की तरफ में जितने भी टेररिस्ट थे ना भाई, वो सारे के सारे भाग कर मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी ना मुझे भाई एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्प की जरूरत है, वरना ये लोग मुझे बहुत इजीली यहाँ पर मार डालेंगे। तो नीचे की तरफ में तो नदी है, मैं कहीं पर भाग के जा भी नहीं सकता। और वेट, किसी ने भी यहाँ पर इन लोग के आरपीजी मारी। ओ भाई, अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड यहाँ पर आ चुका है और इन लोग के सीधा आरपीजी बजाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब आओ बेटा, इतनी देर से मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था भाई साहब, मतलब कि इसे मालूम था कि हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और ये अपना साथ देने एकदम मस्त टाइम पे आ चुका है। हम लोग अपनी M249 निकालते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सबको एकदम बढ़िया तरीके से मार डालेंगे भाई। सारी गाड़ियाँ फोड़ उतरी, मैं भूल ही रहा था कि इनकी सारी गाड़ियाँ हम लोग फोड़ देते हैं ताकि ये लोग आधे से ज़्यादा तक क्यों ही फूट जाएँ। बट हाँ, इनको अभी आराम आराम से हमें निपटाना पड़ेगा भाई, काफ़ी सारे बंदे हैं। गन पूरी रीलोड रखेंगे। आप लोग एक बार ध्यान से देखो भाई, टगन बॉस ने कितनी ज्यादा फोर्स इकट्ठी कर रखी है, मतलब इतनी ज्यादा गाड़ियों की जरूरत है भाई उसे। इतनी तगड़ी प्लानिंग से कोई बंदा कैसे चल सकता है भाई। फिलहाल हाँ, अभी जो भी हो यहाँ पर जितने बंदे थे हमने सबको डाउन कर दिया है। अभी हमने डीएम से ओ वेट, तेरी भैंस की कोई, अच्छा लेट के मार रहा है बंदा। ओके, कम से कम 100-150 बंदे यहाँ पर थे जिनको आरपीजी से यूं ही हम लोगों ने टपका दिया है। तो हाँ गाइस, अभी ना हमने डीएमसी कार को ढूंढना है और वही कार है जो कि डगन बोस की सबसे ज्यादा पावरफुल कार है। यहाँ पर काफी सारी कार्स खड़ी है और भाई साहब मानना पड़ेगा यार, इसको हमारे पीछे पीछे आ रहा था, यानी ये हमें टेस्ट करना चाह रहा होगा कि हम लोग इसके लिए काम करते हैं या फिर नहीं करते। फिलहाल हाँ ओके, तो सामने जो ब्लू कलर की कार खड़ी है यही तो है डीएमसी, लेट्स गो। फटाफट से गाइस हम लोग इस गाड़ी को उठाते हैं। ओ भाई साहब, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है वाली जो गाड़ी है देखने में, तो टॉलेरियन इस गाड़ी का नाम है। फिलहाल अभी अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी इस गाड़ी में आकर बैठ चुका है, तो फटाफट से हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। और इसके बॉडी गार्ड को देखो कितने चूरन है भाई, उन्होंने इसमें जो लगी गन्स है उसका यूज ही नहीं करा भाई। उतरी, यहाँ पर कुछ छुपा हुआ, अबे मार इसको, इसकी ऐसी की ऐसी, हमको मारेगा तू भाई। अभी इनके साथ बहुत गंदा ही स्कैम होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो गन लगी हुई है ना भाई साहब, इस गाड़ी के अंदर लाइट्स देखो कैसे चल रही है। जब ये रीलोड होती है ना, तो इसकी सारी गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है, फिर दोबारा जल जाती है। और गाड़ी के आगे भी भाई पता नहीं कैसी कैसी सी लाइट्स इसके अंदर जल रही है भाई। जो भी हो, अभी बातें कम करनी है, फटाफट से ना गाइस हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। कि कितना ज्यादा आसान था यार इस गाड़ी को चुराना, बस हाँ यार इसको वैसे आसान नहीं था यार। अगर ये आरपीजी लेकर ना पहुंचता ना एंड टाइम पे, तो मैं तो कसम से बता रहा हूँ मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उठाकर यहाँ से भागने वाला था फुल स्पीड में। तो भी गाड़ी तो मिल चुकी है, काफी ज्यादा तकड़ी है, और इस गाड़ी के अंदर जो बूस्टर्स हैं वो इस गाड़ी को सीधा उड़ा देंगे, चलाएंगे नहीं। तो उसको मैं नहीं यूज करने वाला हूँ, उसे खुली जगह पर ट्रेनिंग के साथ ही यूज करेंगे। तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.3 मिलियन लाइक के लिए। जाओ यार, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से वीडियो को जाके लाइक कर दो, और जो भी चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। Yeah.